हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले हैं किचन वेयर स्टोर के बारे में। किचन वेयर स्टोर का मतलब होता है कि बर्तन की दुकान। बर्तन की दुकान के बारे में बात करें तो यह आज कुछ ऐसे बिजनेसेस में से एक है जो आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करवाते हैं, क्योंकि बर्तन बहुत सी जगह यूज होते हैं। जैसे कि घर में बहुत से छोटे छोटे बर्तन मिल जाएंगे और जो भी किचन में यूज होता है, जैसे कि जग, मग, बाल्टी, थाली, प्लेट, ग्लास, बाउल, स्पून्स, ये सभी हमको घर के अंदर ही मिल जाएंगे। इन सभी प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सिर्फ घर में ही नहीं, लेकिन और भी जो आसपास के रेस्टोरेंट, ढाबा और जैसे भी जो भी खाने पीने वाली दुकान होती है, वहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल कराई जाती हैं, जिसकी वजह से बर्तन की डिमांड कभी भी कम नहीं होती है। और इसी डिमांड को देखकर ऐसे बिजनेस आए हैं जो कि बर्तन को बनाते हैं, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ रिटेल स्टोर की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो बर्तन की जो रिटेल शॉप होती है, उसमें बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट गेन होता है। इस बिज़नेस की सबसे अच्छी बात यह है कि यह एवरग्रीन बिज़नेस है। एवरग्रीन मतलब सदाबहार बिज़नेस है, मतलब कि कोई भी मौसम हो, बिज़नेस की डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। तो अगर आप भी एक छोटा सा बिज़नेस ओपन करने के बारे में सोच रहे हो, तो किचन स्टोर का बिज़नेस भी बहुत ही अच्छा आपके लिए ऑप्शन साबित हो सकता है, जिसमें आप बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करके बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो आइए जानते हैं कि आप यह बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मार्केट में रिसर्च करना होगा, जैसे कि क्या आपके एरिया में बर्तन की डिमांड है भी या नहीं, इसको सबसे पहले पता करो। कैसे करोगे? आपको अपने एरिया में जाना है और देखना है कि आपके पास कितने ज़्यादा कॉम्पिटिटर हैं, मतलब आपके दुकान, आपके एरिया में कितने ज़्यादा दुकान हैं जो कि बर्तन सेल करते हैं। उन सभी की लिस्ट बनाओ, वो कौन कौन से प्राइसेस पे अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, इसकी लिस्ट बनाओ। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन सा सेल होता है, इसकी बाकायदा एक लिस्ट बनाइए, जिससे कि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि आपको मेनली आपके एरिया में कौन से सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होता है, वही आपको बाई करके उनको सेल करना है। यह करने के बाद आपको अपने कंपटीटर की एनालाइज करना है। कैसे करोगे? देखो, जैसा कि मैंने बताया, पहले आप अपने कंपटीटर की लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के बाद ये देखो कि उनकी सेल्स की स्ट्रेटेजी क्या है, वो अपने बिजनेस को सेल्स कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, उनकी प्राइसिंग डिटेल को चेक करो। साथ ही साथ आप ये भी देखो कि वो कौन कौन से आइटम है जो वो सबसे ज़्यादा सेल कर लेते हैं और उनका कितना बड़ा एरिया है, कितना बड़ा नेटवर्क है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि आपके कंपटीटर को कौन सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, मतलब कि उसकी एक लिस्ट बनाइए जो उनको प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है। फिर उनसे आप कॉल करके पूछिए कि सर, इस प्रोडक्ट का क्या प्राइस है। सभी से जब आप ये पूछोगे, जहाँ से आप प्राइस को कंपैरिजन करना सीखोगे, मतलब कि आप उन सभी के प्राइसेस को कंपेयर करो, जहाँ से आपको सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट मिले, आप वो सामान लेना वहाँ से शुरू कर दो। ये तो ऑफलाइन तरीका है, जो कि होलसेल मार्केट से भी आप सामान को ले सकते हो। दूसरा होता है ऑनलाइन सप्लायर, आप ऑनलाइन भी सप्लायर ले सकते हो। देखो, ऑनलाइन सप्लायर में जैसे इंडिया मार्ट, अलीबाबा जैसे जो वेबसाइट्स होते हैं, इन पर जाके आपको अपना बस किचन वेयर स्टोर लिख देना है, उसके बाद ढेर सारे सप्लायर आ जाएंगे। आप उनको, उनसे कॉन्टैक्ट करना है, उनके प्रोडक्ट की लिस्ट बनाना है, उनकी क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या कौन कौन से प्राइस रेंज पे वो प्रोवाइड करते हैं, फिर वहाँ पे भी जहाँ से आपको सस्ता अच्छा मिले, आप वहाँ से सप्लाई लेना शुरू कर दो। तो ये होगी बात, सप्लायर आपके पास कहाँ से आएंगे। अब हम बात करते इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कितने स्पेस की जरूरत होगी। देखो, बेसिकली इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास 100 से 150 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। मतलब कि साफ है, अगर आप इस बिजनेस को बहुत स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो, आपको कम से कम 150 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होगी। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को बड़े लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो, तो आपको कम से कम 250 से 500 भी स्क्वायर फीट की जगह लग सकती है। तो मतलब कि ये है कि जितना बड़ा आपका बिजनेस, उतना ज़्यादा स्पेस। स्पेस डिसाइड करने के बाद आपको अपने बिजनेस के लिए लोकेशन ढूंढना होगा। लोकेशन ऐसा होना चाहिए जो कि आपके टारगेट ऑडियंस के पास हो, ठीक है ना, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो, साथ ही साथ मार्केट प्लेस में हो, जिससे कि सेल करने में आसानी हो। जब लोकेशन डिसाइड हो जाए, तो आपको वहाँ पर एक रूम देखना है। रूम ऐसा होना चाहिए जो कि स्पेसियस हो, वहाँ पे वेंटिलेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अवेलेबल हो, एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो, वाटर सप्लाई की अवेलेबल हो, ये सब कुछ बेसिक फैसिलिटीज आपको चेकआउट करनी होगी, ठीक है ना। यह देखने के बाद आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना होगा ROC के साथ, चाहे तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में, या फिर 1% कंपनी में। आप इन पांचों में से किसी एक में भी अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप इस बिजनेस को बहुत स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो, तो आपको अपने बिजनेस को MSME या फिर SME के थ्रू अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हो। आपको ट्रेड लाइसेंस की जरूरत होगी, शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत लाइसेंस की जरूरत होगी, GST चाहिए होगा, और भी कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड,
करंट बैंक अकाउंट, टिन नंबर, ये सब कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जो कि आपको रिक्वायर जरूर होंगी। तो ये हो गई बात लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं प्रमोशन मार्केटिंग के बारे में। देखो, शुरुआत में आप अपने बिजनेस की प्रमोशन मार्केटिंग कैसे करोगे? शुरुआत में आप अपने बिजनेस की प्रमोशन मार्केटिंग विजिटिंग कार्ड और पैम्फलेट को छपवा कर आप अपने लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवा दो। डिजिटल मार्केटिंग कराइए, जो भी आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं उनकी एक बकायदा रिव्यू बनाकर आप अपने यूट्यूब पर अपलोड करो। साथ ही साथ आप इस ऑफलाइन सर्विस को ऑनलाइन लेके जाओ। कैसे लेके जाओगे? एक वेबसाइट को बनाकर जहाँ पर जितने भी नए कस्टमर आए उनके लिए स्पेशल ऑफर हो और जो रेगुलर कस्टमर हैं उनके लिए अलग से स्पेशल ऑफर होना चाहिए। तो ये होगी बात प्रमोशन मार्केटिंग से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट इन अ मंथ, मतलब कि आपको इस बिजनेस से एक महीने में कितना प्रॉफिट गेन हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बिज़नेस में रिटेलर को बहुत ही अच्छा खासा मार्जिन मिलता है, मतलब कि आपको इस बिज़नेस में जनरली जो मार्जिन मिलेगा वो 50-60% तक का होगा। अगर आप एक महीने में 5 लाख तक का टर्नओवर कर देते हो और मार्जिन हम सिर्फ 50% ही मान के चलते हैं, तो भी आप एक महीने में 2.5 लाख रुपये का प्रॉफिट गेन करोगे। तो ये हो गई बात प्रॉफिट इन अ मंथ के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट रिक्वायर के बारे में। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी? देखो, बिल मशीन 5000, फैन 2000, चेयर 5000, इंटीरियर के लिए 50000, एक्सटीरियर 50000, इन्वर्टर 25000, तो टोटल मिला जुलाकर 137000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपके पास कितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट 50000, रेंट 10000, डिजिटल मार्केटिंग 10000, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस 20000, मार्केटिंग कोलेटरल 10000, इक्विपमेंट 137000, प्रोडक्ट 3 लाख, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5000, तो टोटल मिला जुलाकर 5,42,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है इस बिजनेस को फुल्ली फ्लेज स्टार्ट करने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आपको 2-5 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है, लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को लार्ज लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आपको 5-20 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।